हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। हमारी आज ईद है, पाकिस्तान में कल ईद है। सलाम करो, ईद मुबारक। तो ये देख लीजिए इनकी तैयारी। स्कर्ट करनी है, दिखाओ। स्कर्ट पहनी है दोनों ने एक जैसी। स्कर्ट इसलिए पहनी है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए कंफर्टेबल ड्रेस पहनाया। कोई फैंसी फ्रॉक इस तरह के नहीं पहनाए। दिखाओ सो, ये जूते भी देख लें, मैचिंग, और ये नेकलेस, ये सब कुछ। चूड़ियाँ भी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। पहले तो मेहंदी दिखाओ, एक एक कर, एक एक कर। ये सीधी करो ना रिंग। ये जी मैंने मेहंदी लगाई थी इनको रात को, दोनों को, सीधे हाथों पे भी और उल्टे हाथों पे भी, और नेल पॉलिश भी, चूड़ियां भी। सीधा करो, ये देखने दिखाओ। और मैं अभी पूरी जो है वो तैयार नहीं, मेरा मेकअप वगैरह हो गया, ड्रेस भी मैंने पहन लिया। अभी मेरे रहते हैं शूज और ज्वेलरी रहती है। ये मेरी भी नेल पॉलिश कह रही हूँ, मेहंदी देख लूँ। ये मैंने भी खुद ही लगाई है, तो मैं एक ही हाथ पे लगा सकती थी। ये भी मेकअप कर करके कलर इस तरह, ये नेल पॉलिश लगाई है। ये पाँव में भी देख लूँ, ये ड्रेस मैंने पहना है, ये देख लें, सिल्क का ड्रेस है ये। और ऐसे इस पर थोड़ा सा हल्का सा काम हुआ है ये बाजुओं पे भी, और ये ट्राउजर पे काम, चाइना सिल्क है ये सूट, राफिया ब्रांड का है। और ये है जी दुपट्टा, ये जी मैंने रात को खीर बनाई थी। ये खीर अभी सारी तरफ देनी है, और ये हमारी जाने की तैयारी हुई है, हम लोग जा रहे हैं। और ये जी हमारा गिफ्ट आया हमेशा की तरह, ओमानी हलवा। इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी थी, इसका डिब्बा लेके आओ, दिखाएं किचन से इसका डिब्बा। ये बड़ी अच्छी पैकिंग में आया था, ये वाला डिब्बा तो अच्छा नहीं, लेकिन इसकी बाहर वाली बड़ी अच्छी पैकिंग। तो आप लोग बताएं जी हम कैसे लग रहे हैं अभी, फुल अपनी कंप्लीट लुक दिखाएंगे। ले आओ जल्दी करो, ये जी इसमें, ये देखे डिब्बा कितना खूबसूरत। मुझे हलवे से ज्यादा डिब्बा प्यारा लगा है, वो ये इस तरह से चले। इसमें टाइम जाया नहीं करते, तैयार होते हैं और फिर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जी ये मैं तैयार हो चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको अभी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये बाल इसी तरह गिरेंगे, ठीक है। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का वीडियो आपके साथ हम शायद शेयर ना कर सके, बल्कि नहीं करेंगे शायद छोटे छोटे क्लिप शेयर कर। चलिए तो सही है, फिर हम लोग चलते हैं, हमें देर हो रही है।